तो यहाँ हमारी पैकिंग वगैरह सब शुरू हो गई है जाने की। लव यू। जाएगा गुरुकुल कांगड़िया कहीं भी, तुम हमारे दिल में बसता है। बिल्कुल भाई, दिल में बसता था, दिल में रहेगा। Hey, good morning everyone. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा दिन भी बहुत अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा। सो भाई, कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। मैं ये यूनिवर्सिटी सही में छोड़ रहा हूँ। आज या कल मेरा लास्ट दिन होगा यहाँ। तो जाने से पहले मेरा मन था कि मैं रुद्राभिषेक करा लूँ, उसी की तैयारी कर रहे थे। तो कुछ ऐसा है, मतलब बहुत सारे दूध के पैकेट खरीद रखे हैं हमने, और दही वगैरह खरीद रखी है, और ये चादर वगैरह चढ़ाने के लिए, और ये कहाँ रख दिया गलती से, और थोड़ा प्रसाद वगैरह है। हाँ, तो वहाँ चढ़ाना पड़ता है ना शिव जी में। बाकी आज तुम्हारे भाई ने धोती वियर कर रखी है। एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि जाने से पहले मैं एक बार रुद्राभिषेक करा लूँ, और मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, ये सारी स्टोरी मैं आने के बाद बताता हूँ आपको। अभी क्योंकि बिजी हूँ, सुबह के 5 बजे हैं, तो बहुत सारा काम करना है। बाहर अभी अंधेरा ही है, आप देख सकते हो। ओह, देख ही लो। एंड गाइस, थिंग इज दैट कि मैं अभी बिल्कुल शूटिंग नहीं कर सकता, तो रुद्राभिषेक में जो जो होगा मैं नहीं दिखा पाऊँगा सही में, और मैं दिखाऊँगा। चलो, पूजा तो कर लेते हैं, पूजा मन की शांति के लिए कर रहा मैं, और बाकी जो भी स्टोरी है मैं सब आने के बाद बताता हूँ आपको। 2000 years later. And guys, रुद्राभिषेक हो चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अच्छे से गया, शांतिपूर्वक हुआ। फोटोज़ वीडियोज़ कुछ नहीं बनाई, इवन एक सिंगल फोटोज़ भी नहीं ली, तो मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। बाकी टीका बढ़िया लग रहा है, और अब मैं फाइनली बताऊँगा कि क्या स्टोरी है। बाकी अभी टीसी लेने के लिए ऑफिस में जाना है। बाकी अब देखो, एक दो दिन हूँ बस हॉस्टल में, शायद आज ही हूँ या कल। Later. भाई, कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, मैं सही में कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, वो भी इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा आगे। बाकी उससे पहले मैं बता दूँ, कॉलेज में ना कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं मेरे बारे में, तो वो मैं क्लियर कर दूँ। सबसे पहला कि कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसी बात कह रहे हैं कि पुजारा को कॉलेज से निकाल दिया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं खुद कॉलेज से निकल रहा हूँ। एप्लीकेशन वगैरह जो भी नोटिस है मैं यहाँ साइड में चिपका दूंगा। तो ऐसे कह के बदनाम मत करो यार कि मुझे निकाल दिया है। और दूसरा, मुझे पता चला है कुछ टीचर्स भी ऐसा कह रहे हैं, मतलब अपना वो दिखाने के लिए कि बेटा यहाँ ना मस्ती वस्ती मत करना, अब हम बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। अभी अभी हमने एक बच्चे को रेस्टिगेट करा है, इनडायरेक्टली मेरी तरफ ही टारगेट था उनका। तो वो बच्चों ने आगे मुझे बताया, टीचर का नाम भी बताया, बट छोड़ो। तो ये सारी बातें अफवाह है, मैं खुद अपनी मर्जी से निकल रहा हूँ। और एक और र्यूमर है बता रहा हूँ वो भी। तो अभी अभी हमारे कॉलेज में नए एडमिशन्स हुए हैं, तो ये बात ना मुझे बच्चों से पता चली है कि ऐसी बातें चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो शिवम पुजारा है ना, मैं यानी कि मैं बाकी बच्चों को भड़का रहा हूँ कि यहाँ मत पढ़ो, ऐसा वैसा है, यहाँ वो है। तो भाई लिटरली, अगर किसी एक भी बच्चे को आप मेरे सामने लाओ जिसे मैंने ये बात कही है, तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा सबसे। बट मैंने किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं कहा। इवन मैं तो यही कहता हूँ, अभी भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी मतलब वाइब्स है यहाँ की। तो आओ पढ़ो, मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीज़न थे तो जिस कारण मैं ये लीव कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ, है ना। तो अब बात शुरू करते हैं कि क्या वो कहानी है जिस कारण से मैं ये कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं यहाँ से बीए इन रूरल स्टडीज़ कर रहा था, तो जिस कोर्स में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब कोर्स तो अच्छा ही था, ऑफ कोर्स मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोर्स समझ में नहीं आ रहा था या कुछ ऐसी बात थी, बट होता है ना, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में, तो कोर्स को मैंने ड्रॉप आउट करना था। तो मैंने यहाँ से दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करा था, जिसमें लगभग मेरा सब हो गया था क्लियर। बट इंटरव्यू के टाइम दे सेट कि आपकी ना यहाँ रेपुटेशन अच्छी नहीं है, और जब मैंने इनसे रीज़न पूछा तो एकदम वाहियात टाइप के रीज़न बताए मुझे, जैसे कि मैं वीडियो शूट करता हूँ, और तो कोई रीज़न था ही नहीं, वीडियो शूट करने के अलावा कोई रीज़न नहीं था। और वीडियो शूट में भी एकदम कुछ रीज़न थे कि एक बार हम गंगा घाट चले गए थे, उसकी वीडियो बनाई थी, और एक बार हम कैंटीन वगैरह में हम खा रहे थे, तो वो सब मैंने यूट्यूब में दिखा दिया था। तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं, अगर वो मिला तो, मौका मिला तो मैं वो वीडियोस भी, जो वीडियोस के कारण इश्यू बनाया ना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग खुद मतलब जज करके बताना कि ऐसा कोई रीज़न है कि मतलब उससे रेपुटेशन डाउन हो गया मेरी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। और ना क्या है ना कि मैं वीडियोस बनाना ना अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ,
और ये लोग क्या कर रहे थे कि उसे मुझे गलती बता रहे थे मेरी, मतलब कि वो मेरी गलती है और एप्लीकेशन लिखवाई वगैरह वगैरह, मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, पर वो गलती नहीं थी यार, वो मैं अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ उसे, तो मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता जहाँ मेरी स्ट्रेंथ को मेरी कमजोरी या मेरी गलती बताए, तो ये रीज़न था। और दूसरा ये रीज़न था कि मतलब एक टाइम के लिए मैं वीडियो बनाना छोड़ भी देता 3 साल के लिए, बट मुझे मेरा पसंद का कोर्स ही नहीं दे रहे थे, तो फिर कोई सैमसंग ही बनता ना यार। पता, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि मेरा जो ये डिसीजन है ना ड्रॉप आउट करने का ये कॉलेज, तो बहुत वाहियात है कि 1 साल में दे चुका हूँ और अपने 2 साल दे के डिग्री लेके निकल लेता, बट लोग ये सोच रहे थे मैंने अपने 1 साल वेस्ट कर दिया, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपना अपने 2 साल बचा लिए, और मैंने एकदम सडन डिसीजन नहीं लिया यूनिवर्सिटी छोड़ने का, पहले मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा जो कि अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, जो लोग वहाँ जब मेरा एडमिशन वो हो गया, क्या बोलते हैं, रजिस्टर हो गया, सब फाइनल हो गया, उसके बाद मैं ये कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, और बहुत ही जल्द आपको वहाँ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, वहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और जनरली बात मैं बताऊँ, जैसे इन लोगों को लग रहा था कि मैं यहाँ की वीडियोज़ बना के इन्हें मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा हूँ, बट लिटरली बहुत सारे लोग, जितने भी मतलब बहुत सारे नए बच्चे आए थे, उनके पेरेंट्स से भी मिला मैं, बच्चों से भी मिला, मतलब बच्चों से क्या, मतलब मेरे जूनियर्स ही कहो, तो उनका जो रिव्यू आया मेरी वीडियोस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव था, किसी ने भी ये नहीं बोला कि भैया आपकी वीडियो देख के हमें गलत लगा, इवन दे सेड कि आपकी वीडियो देख के हम इंस्पायर हुए यहाँ आने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब सबकी तरफ से पॉजिटिव आया। अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा या जूनियर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो पहले मेरी वीडियो देख चुके हैं, तो लेट मी कमेंट डाउन कि आपको मेरी वीडियोस से यहाँ के बारे में कैसा इम्पैक्ट लगा, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी लगा बता दो, कमेंट बॉक्स आपका है, और प्लीज़ बताना ताकि हमें भी पता चले। बाकी एक बात का बुरा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि एक काफ़ी लंबा टाइम मैंने यहाँ दिया है, तो एक लोगों के साथ जगह के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है ना, मतलब कुछ भी हो, जैसे मेरे साथ रहते हैं जो बच्चे, मेरे क्लासमेट, मेरे रूममेट, और हॉस्टल में भी जिनके साथ हेलो हाई होती है, तो एक उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी आदत लग जाती है, तो उन लोगों को छोड़ने का थोड़ा अफसोस है मुझे, बट ये है ना करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब लोग तो आते जाते रहते हैं, बट या कि इन लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हंस क्यों रहा भाई, याद आएगी तेरी भी भाई। गाइज, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर सिचुएशन में चिल आउट रहता है, इसलिए ना बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार तुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तू इतने सारे डिसीजन ले रहा है, कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कर रहा है, तो मतलब बोले तुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, मतलब एक टाइम के लिए थोड़ी बहुत टेंशन होती है, बट अकॉर्डिंग टू मी ना हमेशा ना दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, एक जिनका सोल्यूशन होता है, एक जिनका सोल्यूशन नहीं होता। अब जिनका सोल्यूशन है तो फिर उसमें टेंशन क्या लेना, सोल्यूशन पे काम करते हैं, और जिनका सोल्यूशन नहीं है तो उसमें भी क्या टेंशन लेना, क्योंकि हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते ना। इसी थ्योरी को लेके मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और माइंड में तो कुछ चलता नहीं है मेरे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे यहाँ 1 साल हो गया, 1.5 साल होने को आ गया, तो बहुत सारे लोगों से मैं मिलाऊँगा, बहुत सारे लोगों से बात करी होगी, अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट पर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मुझसे कोई मतलब ऐसा हो कि गलत लगा हूँ मैं किसी काम को लेके या किसी को लेके, तो प्लीज़ 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 मुझसे आके माफ़ी मांग लेना, क्योंकि गलत आप ही होगे है ना भाई। तो मजाक से हटके, बाकी अगर किसी को भी ऐसा कुछ मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या मेरे किसी काम का बुरा लगा हो या किसी भी चीज़ से कुछ हो, तो भाई मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, बाकी बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए। फिलहाल तो अपनी घर जाने की तैयारी चल रही है, तो थोड़ा बिजी भी हूँ मैं, अगला ब्लॉग शायद सीधे घर से आएगा और उसके बाद आपको मेरी डेली कॉलेज लाइफ दिखेगी, वो हॉस्टल से नहीं जाऊँगा मैं, घर से अप डाउन करूँगा, काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो भी, आपको मैं वहाँ का भी टूर वूर सब चीज़ें दिखाऊँगा आपको, और बहुत ज़्यादा मिस करूँगा आप लोगों को, यहाँ के इन्वायरमेंट को, मतलब होता है कोई भी जगह से ना, मतलब दो टाइप की मेमोरी होती है, एक अच्छी मेमोरी एक बुरी मेमोरी, तो यहाँ से भी सेम ऐसा ही है मेरा, मतलब बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत चीज़ें सीखी मैंने, एकेडमिक में भले ही ज़्यादा कुछ सीखा ना हो बट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को देख के मैं सीखा कि हाँ कैसे कैसे लोग होते हैं, और थैंक यू सो मच बहुत सारे लोगों को जिन लोगों ने सपोर्ट करा मेरा यहाँ, बहुत सारे टीचरों ने बहुत सारी हेल्प करी मेरी, बहुत सारी मदद करी, बहुत सारा प्यार दिया, और बहुत सारे लोगों ने टांग भी खींची और परेशान भी करा, बाकी उनसे भी कोई मुझे हेट नहीं है, दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मतलब होता है दो टाइप के लोग हमेशा हर जगह मिलेंगे आपको, एक जो आपका सपोर्ट करेंगे, एक जो आपकी टांग खींचेंगे,
तो बट यहाँ पर क्या हुआ ना, मैंने मतलब देखा कि वैरायटी कैसी कैसी होती है कि हाँ सामने से बोल के लोग पढ़ लग जा, दोगले टाइप के लोगों की वैरायटी देखी मैंने यहाँ, तो उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा प्यार है उन्हें, इमोशनल होना है, पर यू नो मेरा फेस टाइप ही वैसा है, मेरे को रोना आता नहीं है जल्दी मतलब अंदर से दुखी हूँ मैं थोड़ा, सबसे छोड़ के जा रहा हूँ बट ऐसे शो नहीं कर पाऊंगा ना मैं, तो अभी पैकिंग वैकिंग करते हैं, शायद से आज या कल जाएंगे। मतलब मैंने ना एक दो हफ्ते पहले टीसी की एप्लीकेशन डाल दी थी, बट प्रोसेस में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि अभी तक मुझे मेरी टीसी नहीं मिली है, शायद आज कल में पक्का हो जाएगा सीन। तो आई लव यू। एक और बात कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, तो अगर उनको लाइफ में कभी भी कुछ हेल्प चाहिए हो, मतलब जेन्युइन हेल्प जो मैं कर सकता हूँ, वैसे तो मैं क्या ही करूँगा, बट अगर आपको लगे कि कुछ मेरे लायक काम है तो कभी भी मुझे याद कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह तो है ही जिंदाबाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जुड़े रहते हैं साथ में। कब मिलेंगे लाइफ के किसी ऐसे क्या कहते हैं उसे, उदित क्या कहते उसे, कभी मिलेंगे लाइफ वो हाँ, कभी मिले ना मिले और पता नहीं कहाँ टकराएंगे। तो आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह है, तो वहाँ पर मैसेज वैसेज कर देना, भूल मत जाना, बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब कभी लगे कि ऐसा कि कुछ मेरे लायक काम है तो याद करना बिल्कुल। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना अच्छा टाइम पीरियड देने के लिए मुझे, इतनी अच्छी मेमोरीज देने के लिए, इतना अच्छा एक वाइब देने के लिए। एक अलग ही फीलिंग थी यहाँ पर, जो एक साल रहा मैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे अच्छे लोग बने, तो उन सभी को थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए। बाकी जुड़े रहेंगे अपने पास, यूट्यूब से तो कनेक्टेड हूँ ही मैं। अभी जैसे हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे उदित और मैं, तो अचानक उदित ने दो लाइन मुझे सुनाई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, कि मुश्किलों के आने से वक्त नहीं रुकता, पर मुश्किलों का सामना करने से वक्त जरूर बदल जाता है। तो आप लोग भी जो भी करें अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करोगे, मतलब किसी भी चैलेंज से लड़ जाना है ना, और मुझे भी मतलब अपनी ब्लेसिंग दो, अपना छोटा भाई बड़ा भाई दोस्त जो भी समझते हो, तो लॉट ऑफ लव। क्या बोल रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। A few moments later. तो यहाँ हमारी पैकिंग वगैरह सब शुरू हो गई है जाने की, यहाँ इमरान भाई के गाने चल रहे हैं, और देखो कल मिलते हैं आप लोगों से अपने घर में, और लास्ट नाइट है हमारी यहाँ, और कल का दिन मैं सोच रहा हूँ शाम शाम को जाऊँगा। हेलो भैया, भैया व्लॉगिंग और भाई तो लास्ट मीटिंग है भाई से, बुरा भी लग रहा है और क्या करे, पर जाना भी जरूरी था। खुशी नहीं हो रही यार भाई, मतलब इस टाइम ना सही में बुरा लग रहा है, गला भरा भरा लग रहा है, अरे कसम से यार सही में बुरा लग रहा है। बिल्कुल भाई, दिल में बसता था, दिल में रहेगा। लव यू, सब जाएंगे सब जाएंगे। सो हे गाइस, लास्ट मीटिंग मेरी कुछ कॉलेज में इस टाइप की रही, सभी लोगों से मिला मैं जाते टाइम, मतलब कुछ लोग अगर छूट गए होंगे तो उनसे भी कभी मिल लेंगे, बट जाते जाते जितना हो सकता था उतना मिल के गया, और बहुत सारा प्यार मिला जाते टाइम भी। लव यू सो मच। सारा जमाना है मेरे पीछे पर ये दीवाना।